आज मौसम बिकर ला दीवानी की दया दिल झुम उठला आज मौसम बिकर ला दीवानी की दया दिल झुम उठला तो अभी मैं हूँ मधुबनी पार्क में। तो मधुबनी पार्क के बगल में जो नदी है अभी मैं वहीं पर हूँ। तो यहाँ से शुरू हो रहा है खुटीमारी फॉरेस्ट, ये नदी के इस पार से खुटीमारी फॉरेस्ट शुरू हो रहा है। यहाँ से फिर हम कुमाई रिवर के पास रुकेंगे और जैसे कि देखते देखते हम कुमाई रिवर के पास पहुँच भी गए। तो ये है कुमाई रिवर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अब ब्लॉक करते करते तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरा नाम आदित्य और आज मैं अपने दो दोस्तों के साथ आया हूँ खुटीमारी फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट जो है वो गैरकथा पार होकर आना पड़ता है। खुटीमारी फॉरेस्ट के अंडर में जो नदी पड़ता है इसका नाम है नोनाई रिवर और छोटा रिवर है पर जंगल के बीच से आ रहा है, आप देख सकते हैं। सोना लखे गोरी चमकेला तोर रूप रे, चांदी लखे लगे खुला केस करिया, हाय तोर चाल गोरी मस्त गोर गाल गोरी मस्त मस्त तोर नजरिया। तो ये जो जगह है वो रिसेंटली वायरल हुआ था कुछ दिन आगे और फेसबुक में वायरल हुआ तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। और मेरे साथ जो लड़के हैं वो वॉकर्स टीम के हैं और वो डेली साइकिलिंग करते हैं सुबह सुबह, तो उनसे मैं आया। उनके कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने मुझे ये जगह सजेस्ट किया। तो वो साइकिलिंग करने रोज़ इधर आते हैं, तो ये लगभग 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर होगा बनाहट से। तो अगर आप डुअर्स आए तो यहाँ पर ज़रूर आए। तो ये 4 नंबर रिवर है, तो 4 नंबर ब्रिज है, इसके आगे और 5 नंबर है, वहाँ हम जाएंगे अभी। तो इधर ही नथुआ बस्ती, इधर जाने से नथुआ बस्ती है मेरे पीछे, आप जो रास्ता जा रहा है वो नथुआ बस्ती की तरफ जा रहा है, तो इधर ही जाते हैं। चलिए, तो मेरे पीछे आप बंदर भी देख सकते हैं पर नहीं दिखेगा ठीक से क्योंकि वो ये अल्ट्रा मोड किया हुआ है। मतलब डुअर्स में बक्सा, जल्दापाड़ा, गोरुमारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे बड़े नेशनल फॉरेस्ट है जिसके कारण ये फॉरेस्ट कहीं खो गया है। अगर कोई दूसरा जगह होता तो शायद टूरिज्म के लिए यूज़ होता है। यहाँ सफारी शुरू करने की बात भी चल रही है। अभी यहाँ 3 से 4 वॉच टावर्स है जहाँ जाकर आप जंगली जानवर देख सकते हैं अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। हाथी, बाइसन, लेपर्ड, सांभर और बार्किंग डियर यहाँ के मूल जानवरों में से है। यहाँ आप राभा ट्राइब्स को भी देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में गोसाई हाटी को पार्क है जहाँ आप जा सकते हैं। हमारे बारह एक नदी नहीं यार, एक चार चट्टा नदी भाई, एक उठा नहीं चला हुआ। तो ये है अंबा ब्रिज और ये 5 नंबर ब्रिज है। तो हम 4 नंबर से 5 नंबर आ गए और ये आम गाछ का चलते ये ब्रिज का नाम अंबा ब्रिज हो गया है। और का डेंस ये पूरा बीच का फॉरेस्ट है और यहाँ से हम नथुआ की तरफ जाएंगे। अभी नथुआ की तरफ जा रहे हैं और नथुआ पहुँच के आपसे हम बात करेंगे। डेंस फॉरेस्ट है और साइकिल अच्छा चल रहा है क्योंकि खाली रोड है पूरा। तो फॉरेस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी डेंस है और मेरे 3 दोस्त आगे चले गए हैं तो उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ। रोड पूरा खाली है आप देख सकते हैं। ভাই কেমন লাগছে? ও ভাই বল বল কেমন লাগছে? অসাম ওয়াও চারিদিকে তো ওয়াও না, অসাম নাইস ওয়াও দেখছো চারিদিকে তো ওয়াও। জানি টাকাটা থোড়া দেখাচ্ছি একটু থোপড়া ভাই বানাহাটু নাথুয়া কেমন লাগছে ভাই? সেই সেই অসাম ही जा रहा है। और ये है छटवा ब्रिज और इसे ये नदी का नाम है हाथी नाला। तो बनाहट में भी एक हाथी नाला है पर वो नाला में पानी नहीं चलता है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी है पीछे मेरे।
काफी साइलेंट है। अरे कर अरे कर अरे कर एक बार बेसुरा पूरा बेसुरा एकदम बकवास आवाज निकालता है ये वाला म्यूजिक। तो हाथी नाला हमारा लास्ट स्टॉपेज था और हाथी नाला के बाद हम अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है इस कारण से हम और आगे नहीं जाएंगे और यहाँ से हम बैक करेंगे। ये हमारा सस्ता का कोयल है, बहुत ही सस्ता वाला है, बेसुरा कोयल एक